डाल दिया। और आप भी थोड़ा सा हाँ हाँ हम भी जा रहे हैं, जल ही पकड़ लें। अरे जल पकड़ेंगे, आपो आओ बिना राजा के हम ना जाता। आओ हाँ व्यवस्था भर्गो देया नापे की आदत भैया। परसों आगे तक भैया नहीं इधर। हाँ अभय जी आप ऐसे ऐसे जाइए वहाँ से और वहाँ से फिर जाओ। ले भैया चाल परसों यहाँ के प्रसाद के अद्भुत स्वाद की चर्चा अगर फैल जाए तो हम समझे थे कहाँ कहाँ से लोग करते हैं। संयोग रहा बिल्कुल, सुगंध वही बना। जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी कढ़ी के मामले में बनारस का संकट मोचन। पानी वाले पानी ले आओ। तो बस अब माला आ जाए थोड़ा इधर आप आ जाए। लाइट इधर से आ रही, आप वहाँ जहाँ पानी निकाला जा रहा आप वहाँ चले जाइए। उधर से बनाइएगा तो और अच्छा बनेगा। तो लाइट उधर से आ रही है। आज आप 27 तारीख है, 27 अगस्त 2011 मनहेरू रायबरेली से 13 किलोमीटर डलमऊ रोड पर, वहाँ पर जो जन्माष्टमी के बाद जो छठ मनाई जाती है वो यहाँ हमारे पूर्व प्रधान जी रामपाल सिंह जी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं और एक अद्भुत यहाँ के प्रसाद में स्वाद होता है। इस सीढ़ी को देखने के बाद वो बड़ा ही भागशाली होगा जो यहाँ के छठ का प्रसाद खाने के लिए वो भागा चलाएगा। श्याम साधु कहीं जल्दी जाता होता नहीं है, लेकिन जहाँ चमत्कार होता है वहाँ श्याम साधु जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक अजूबी हैं, बहुत बड़ी बात है और बड़े भाग्यशाली लोगों को यहाँ का प्रसाद उनको नसीब होता है। तो अब आगे हम अब चूँकि संध्या बेला है तो यहाँ कुछ माल्यार्पण होगा, उसके बाद मुरारी बाबा के साथ रायबरेली के लिए रवाना होंगे। और आज यहाँ अन्ना हजारे जी के लिए यहाँ मंदिर के अंदर और यहाँ भी हम मंत्रोच्चारण के द्वारा उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे। हमारे आचार्य जी भी काम उसमें भाग लेंगे, मुरारी दास हैं साधु संतों द्वारा और हम लोगों के द्वारा जो उनके स्वस्थ होने की काम हम लोग मनोकामना करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि उनके जो शिवचिंतक लोग हैं वो बाबा जी से अब निवेदन करें कि बाबा देश को आपकी जरूरत। महाराज हवन यहाँ हुआ है, गरीब अन्ना जी के लिए तमाम आहुतियाँ डाली गई यहाँ। वाह बहुत सुंदर, वो आहुति डाली गई है वही बताने की, बड़े अच्छे कार्यक्रम हुए हैं जो है यहाँ जी। हवन हुआ है आज, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अब हम यही चाहेंगे कि अन्ना जी को उनके समर्थक उनसे कहें महाराज देश को आपकी जरूरत है, क्यों ये निघस और बेशरम जो भी सरकार हो कोई हो
वो उनके कान में जू नहीं रेंगेगा, इसलिए आप स्वास्थ्य लाभ करें और आपकी जगह से हम साधु को बैठाया जाएगा। मैं अनशन में मैं बैठूंगा, लेकिन मेरा कर्मिक चलेगा और कर्मिक चलेगा, मेरा हवन चलेगा, और मैं चैलेंज कर दूंगा कि इतने दिन के बाद अगर सरकार नहीं चेतती है तो सरकार गिर जाएगी, सरकार फिर नहीं टिक पाएगी, और चाहे जितने हवन करवा ले और चाहे जितने पूजा करवा ले, क्यों उसको 24 कैरेट के अवघर नहीं मिलेंगे, 24 कैरेट के साधु नहीं मिलेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ आचार्य नरेंद्र जी के संरक्षण में जी, बाबा मुरारीदास जी के द्वारा हाँ, ये हवन कार्यक्रम आज हुआ है, आज हुआ है अन्ना जी के स्वास्थ्य हाँ, अन्ना जी के स्वास्थ्य के लिए हमको आने में थोड़ी देरी हो गई, मैं बंदर भोज लाइब्रेरी में मैं वहाँ कर रहा था। आइए चलते हैं, आपका माल हाँ, थोड़ा हो जाए, आइए हो जाए, आते हैं, आइए उसको चले माला पहनाया जाएगा, नहीं बैठे रहिए। आओ बेटा, कहाँ गए तुम? सबसे पहले तुम, अरे वो, अरे भैया महंत जी आप भी आइए 2 मिनट के लिए। आओ महाराज, ये स्थान महलू है, यहाँ संकटमोचन हनुमान मंदिर का भव्य पुराना स्थल है, और ये हमारे बीच में पर्यावरणविद, पशु सेवी एवं समाज सेवी श्याम साधु जी महाराज बैठे हुए हैं, और हमारे बगल में दीपक एक सीट लाओ, रामपाल जी प्रधान जी, हमारे साथ में संत महात्मा के भंडार के अध्यक्ष, और हमारे सिया रामदास जी महाराज, और बीच में हमारे आचार्य नरेंद्र जी महाराज आत्मज्ञानी कथावाचक, और ये सब शिष्यगण, और ये विशाल भंडारे का जो कार्यक्रम चल रहा है इसके उपलक्ष्य में श्याम साधु जी को इस छोटे से बच्चे ने, क्या नाम तुम्हारा? विपिन कुमार जी ने आज साधु जी आपके लिए खीरा लाया है, बड़ी मेहनत से, बड़े प्रेम से, मतलब भाव है इसका है, और इसका भाव में है, कहा कि खीरा सब गंदा खाएंगे, कुछ खाएगा कोई खाएगा कोई खाएगा नहीं, एक आधा हम भी खाएंगे। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये श्री विजय गौरी नारायणी नमस्ते। अब ये माला प्रधान जी द्वारा करौंदे का, ये करौंदा ये अद्भुत करौंदा है यहाँ का, बहुत बहुत चटनी खाया, इसकी भी चटनी खाया आपने, और इसका स्वाद ही अलग है। कितना माला सुंदर बनाया जाता है, कितनी मेहनत से, ये हनुमान जी की ही कृपा है। आइए बाबा रामदास जी, सिया रामदास जी, गुलर है और चना भी इसमें मिला हुआ है, इसमें सब ताकत है, ताकत भरी, ताकत भरी, जय हो जय हो जय हो। आप उनको महाराज जी को, आइए महाराज, चने का माला, चने का माला है, ये है निश्चित साधु समाज में भंडार पद का अध्यक्ष है इनके पास, जैसा कोई 52 व्यंजन बनाते हो, हाँ, इसी चने से भंडारी हैं साधुओं के, इसके 52 व्यंजन बनाते हैं, चाहे जो बना दें कहो, ये बोला साधु महाराज जी, साधु महाराज जी, हाँ भाई, ये अपने जमाने के बहुत अच्छे भंडारी थे, अब तो वृद्ध हो गए, उतना काम नहीं हो पाता इनसे, बड़ा 200-400 साधु कुछ ना, कहाँ चिंता न करो, सब भंडार बन जाएगी। राम लाल गरु गरु माला डाल, आप देखिए ये करौंदा भी है, चना भी है, और दुधी भी है इसके अंदर, और क्या ना, यहाँ के नित्य आरती करने वाले, ये यहाँ के उद्घोषक है, और यहाँ के भिखारी भी कह लीजिए, मांगने नहीं लिया जाता, ये तो मांग के यही लाते हैं चारों तरफ से, जो यहाँ तो मांग के लाते हैं, लेकिन हनुमान जी से जुड़े हैं, इनसे भागशाली कौन होगा, इनसे भागशाली कौन होगा, आदि पड़ी थी, ये है आलू और अमरूद, आइए अभय भैया, हाँ उनको दे दीजिए कैमरे से, ये सबसे विचित्र माला, हाँ, ये बड़ी मेहनत से प्रधान जी, वही बताए कि कितना मेहनत लोग करते हैं, और प्रधान जी हमरे ऊपर कर्जा पर कर्जा लादा चले जा रहे हैं कि बांध दो श्याम साधु का, ये माला सबसे बड़ा है, इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुआ है, अब है का, हाँ ये मान के चलिए इनकी भी छठी, हाँ अरे वाह, बहुत
हमारे बीच में मंत्रोच्चारण आदिज्ञानी आचार्य नरेंद्र जी महाराज जी, श्याम साधु क्योंकि महान पंच सेवी समाज सेवी पर्यावरणविद की ओर से को माला अर्पण करते हुए ओम गणनाम गणपति हवामहे मिधिनां त्वानिधपति गङ्गावामहे वसुमं माम जानामि गर्भधाम त्वमयि सा गर्भदम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो बृहस्पति दधा श्याम साधु महाराज की श्याम साधु महाराज की बजरंग बली हनुमान की आचार्य नरेंद्र महाराज की श्री रामदास की बाबा दीक्षित महाराज की सभी संत महात्माओं की और भगवान की बोलो बोलो हरे हरे महादेव। इस समय देश के अंदर आइए बच्चे छोटा क्या नाम तुम्हारा सतीश भैया ने बहुत छोटा माला पहनाया है वाह भगवान पाल कर दे सुबह से आपका इंतजार ये कुंदरू है कुंदरू ये कुंदरू है महाराज जी देखिए कितनी देर से इंतजार कर रहा है जितने भी घास आज बच्चे ही कहीं बाबा ही हम कहा हुए हैं तुम सब ले आओ भैया खीरा ही तुमका जो जो लाओ और ने अपनी तरफ जगह है आज इस विषम परिस्थिति भरे माहौल में आज का जो माहौल चल रहा है देश के अंदर बड़ा ही विचारात्मक माहौल है हर बुद्धिजीवी और हर आदमी को विचार करने योग्य एक सवाल पैदा होता है ऐसे सिलसिले में अगर हम कोई नकारात्मक बात करते हैं कहीं तो उसका असर समाज के अंदर गलत जाता है भले ही हम सकारात्मक कहें ना कहें मगर उसका हमें नकारात्मक अगर हम कहेंगे तो उसमें हम फंस जाएंगे वो बजाय लाभ के हो जाएगा तो आने वाले समय में जो आपके लिए रायबरेली के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने कल जैसे अन्ना हजारे के उसमें मीटिंग में आपने दो शब्द बोले और वो इस उस समय मैक में जल्दी में थे हम कुछ नहीं बोल पाए कम बोल पाए तो इसका हमें गम नहीं होना चाहिए हमें गम इसका होना चाहिए कि जो बोल रहे हैं क्या वास्तव में इस कार्य को सही अंजाम दिया जा सकता है या नहीं और दिया जा सकता है तो कैसे दिया जा सकता है इसलिए हम चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ हनुमान धाम महरू में एक सफल कार्यक्रम हुआ है और उसमें श्री अन्ना हजारे के स्वास्थ्य के लाभ के लिए अन्ना हजारे कौन है कोई नहीं जानता नहीं जानता कोई नहीं जानता जी जी ये कोई नहीं जानता मगर आज पता नहीं क्या हो गया जैसे अन्ना हजारे गली गली कूचे कूचे में फैल गए हैं जैसे संक्रमण रोग जैसे फैल जाता है ऐसे ही ये फैल गई ये कोई प्राकृतिक या ईश्वरी देन है ईश्वरी लहर है आज हमें इससे वंचित नहीं रहना चाहिए अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर सरकार इस तरीके के कारनामों में भी अपना इधर ध्यान नहीं देती है तो ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं नहीं वो देखिए सुपरमार्केट में बाबा रामदेव वाले में जब मैं दो दिन भूखा रहा सुबह 7 से 9 तक तो सुपरमार्केट में मैंने कहा है उसकी वीडियो रखी है कि ये कांग्रेस सरकार निहत्थों पर महिलाओं पर बच्चों पर रात के समय अत्याचार करवा के और चरम सीमा पर महंगाई बढ़ा करके ये सरकार नहीं टिक पाएगी दो दिन से ये भूखा ब्राह्मण अवघड़ शाम के समय कह रहा है मैं तो बजरंग बली से यही मैं चाह रहा हूँ कि हे प्रभु कांग्रेस को चाहे 6 महीने के लिए हटाओ लेकिन कांग्रेस को हटा दो और अन्ना को ले आओ अगर देश बचाना है यहाँ की जनता सुन रही है अगर देश बचाना है तो अन्ना को लाना है और अन्ना के समय जो समर्थक हैं रायबरेली के बड़े बड़े दिग्गज मैं उनसे कहूँगा कि महाराज अब उनका अनशन खत्म कराइए उनकी जगह आप बैठे या मुझे बैठाइए जो लंबा अनशन इंडिया में किया हो तो महात्मा गांधी के बाद ये अवघल बाबा ही 49 दिन का अनशन मैंने किया है ये सिटी मजिस्ट्रेट का कहना था 62 दिन महात्मा गांधी रहे और 49 दिन का अनशन गंगा जी के नाम से मैंने किया है तो अनशन बहुत लोग हमको अनशन वाले बाबा भी कहते हैं बहुत लोग कुत्ता वाले बाबा गधा बाबा बंदर बाबा नवान कितने कितने नामों से लोग जानते हैं
इसलिए मैं चाहता हूँ कि अन्ना का अगर स्वास्थ्य गड़बड़ाया और अगर उनको कहीं कुछ हो गया तो देश में प्रलय आ जाएगा। सन 2012 वो 11 में आ जाएगा। इसलिए मैं आगाह करता हूँ इस सीडी के द्वारा कि भैया केंद्र में बैठी सरकार, हम उनको उल्टा सीधा नहीं कहेंगे, हम ये चाहते हैं कि जो जनता कहे वो करो, है ना महाराज जी, जी। जो जनता चाह रही है ये कानून विधेयक को मत की सरकार है, अमत की सरकार, तो मत जो कहे वही बस, जनता जो कहे जनता विधेयक मत बना है, मत से जनता विधेयक नहीं बनी। हाँ इधर एक जरा एक मिनट के लिए अभय जी इधर भी घुमाइए, बाद में फिर घुमा दीजिएगा। तो मेरा कहना ये है कि हमारे जो भी भाई अन्ना हजारे से जो जुड़े हुए हमारे बड़े बड़े नेता लोग हैं, हमारे रायबरेली में रामू दादा हैं और सुशील अरे वो शशि शुक्ला है और भी बहुत से लोग हैं, वो लोग वहाँ पर दबाव डाले कि अन्ना जी अगर आपने अनशन नहीं तोड़ा, देखिए बुढ़ापे का शरीर, कोई झटका लग गया कहीं तो हाहाकार मच जाएगा और ये कांग्रेस कहीं मुंह नहीं दिखा पाएगी, ये कांग्रेस अपने दिमाग, अरे आप कांग्रेस की टकराहट किससे है, अभी तक बाबा रामदेव से रहा, वो चलो भाई योगी रहे वो दवा बेचते रहे, लेकिन कांग्रेस की टकराहट अभी ऐसे साधुओं से पाला नहीं पड़ा, समझ गए, कांग्रेस में जितने बैठे हैं या कांग्रेस से जुड़े हुए जितने महात्मा रहे, कौन कौन क्या क्या नाम था उनका, चंद्रा स्वामी, फलाने स्वामी, धमाके स्वामी, अगर वो जिंदा है तो उनका नार्को टेस्ट कराओ और नार्को टेस्ट से हम साधु का कराओ, तब अवकाश में आ जाओगे, ये साधुओं का देश है, नहीं अगर ज्यादा संख्या में है लेकिन साधु है और वही साधु जिसके साथ चमत्कार होता है तो हमारी वाणी कहीं सत्य न निकल जावे। इसलिए मैं कांग्रेसियों से चाहता हूँ कि जो जनता कहे आप तुरंत मान लीजिए और अन्ना को बचा लीजिए, अगर अन्ना को कुछ हुआ तो कांग्रेसियों हम तो बाबा आदमी, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इतना यही करेंगे हवन कर करके हम तुम्हारी, हम तुमको जहन्नुम में मिला सकते हैं, इतनी दम है। आज भी मंदिर है, आज भी हमारे मुरारी बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं, हमारे संत लोग बैठे हैं, इन लोगों से कहेंगे महाराज उपवास करो 3 दिन 4 दिन 24 घंटे को उपवास करो, दे हवन और देखिए क्या होता है दिल्ली में, कर बचा ले अपनी सरकार तो हम भी देखेंगे। इस जीवन में फूटी कौड़ी से हम साधु ने नहीं लिया किसी से, 2500 लाख मेनका जी से हमको मिलता, उस जागरण में मैंने जवाब दिया, श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, अमेरिका से बलौगा आया, श्याम साधु ने वहाँ के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, श्याम साधु बहुत मामूली सा आदमी है, लेकिन अगर किसी ने श्याम साधु को छेड़ दिया तो फिर श्याम साधु चैलेंज करता है कि आप बड़े भारी मंत्री हैं महाराज, आ जाओ मैदान में, आप बहुत बड़े संत हैं, आओ मैदान के अंदर, चलो अब नार्को टेस्ट का जमाना है बाबू, वो कबूतर में पंख में चिट्ठी भेजने का युग गया, अब तो नार्को टेस्ट कराओ और सब बकरो 40 4 निठारी कांड के बारे में आप लोग सुना होगा, अभय जी इधर थोड़ा दिखाइएगा, निठारी कांड जो दिल्ली के पास में है, पुलिसिया कहर के आगे अपराधियों ने कुल 4 बच्चों का कत्ल कबूला था, कुल चार। आ जाओ बच्चे इधर आ जाओ, तुम लोग करीब आ जाओ, तुम लोग घबराओ मत, ये माला वाला आया, क्या नाम है, क्या नाम तुम्हारा, बच्चे हमको लग रहा है अमन भाई, अमन जी आए हैं, हमको ये तुम किस गांव के, अरे बात करो राणे जी के गांव के हैं बच्चे ये, अरे भैया कैमरे के सामने अपनी ये शक्ल दिखाओ, क्या नाम, जय हो राम कुमार भी लाया है भाई, अरे बाप भैया जय हो ये बच्चों ने आज कमाल कर दिया, क्या लग रहा है हमारे बरेली छोटी जब, अब इतना बच्चों का स्नेह प्रेम ये कहाँ मिले, ये बंदरों का प्रेम है बच्चों का, ना समझना बंदरे हैं सब, ये हनुमान जी ने इनकी प्रेरणा दे दिया, मैं तो पहना नहीं पाऊंगा, हम अपनी सेना भेज रहे हैं, ये हनुमान जी, इतनी उम्मीद नहीं थी हमको इतने माले, नहीं भाई जोन जी लड़का मजाक कर रहे हैं, हम लोग महाराज हम भी माला पहनाएंगे, बोल जादू महाराज की जय, जादू महाराज की जय। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार अविलंब ज्यादा मील मेख न निकाले, क्यों, अब उसका पाला पड़ेगा साधुओं से,
और हम लोगों को अगर कोई केंद्र से कोई भी हो जरा खरीद के दिखा दे, आजमा ले और गोली अपने तरफ से देंगे भर के, अगर कहीं फिसल जाए तो गोली। अरे हम लोग भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, हम लोग उन भक्तों में से नहीं कि नोट दिखाओ तो फिसल जाए। ये तो एक अंधा मूर्ख ने हमको बुलाया, हमको नहीं मालूम था कि यहाँ ये क्या होने जा रहा है, तब हमको इसकी सफाई देनी पड़ी, खैर लोग मान गए। तो मेरा मतलब है कि सीढ़ी जल्दी से जल्दी बनवा करके, मेरा निवेदन है हम कांग्रेस की केवल आलोचना ही नहीं, कांग्रेस ने अच्छे भी काम किया है, हम आलोचना भी नहीं करते हैं, लेकिन अब जनता की बात केंद्र सुननी होगी, सुननी होगी केंद्र सरकार, अगर आपको वहाँ कायम रहना है, वरना हजारों लाखों करोड़ों जनता की आह आपको खा जाएगी। और ये साधु अगर बिगड़ गए तो हम लोग इसी मनहेरू में हमन करेंगे, अब तब तक हमन करेंगे जब तक वहाँ नेश नाबूस ना हो। क्यों ऐसी नौबत लाते हो? आज भी ताकत है, सच्चाई में ताकत होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मेरा निवेदन यही है, और हम यहाँ के हमारे प्रधान जी हैं, इनको मैं राजा कहता हूँ, राजा साहब, हमारे रामपाल सिंह जी, ये हनुमान जी की इनके ऊपर कृपा है। यहाँ बताइए, श्याम साधु कहीं नहीं खाता, रिकॉर्ड है, और खाएगा तो इतना शरीर है, इतना बड़ा पेटे खाएंगे, लेकिन यहाँ मैं खाने बैठता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ, ये हनुमान जी सवार हो जाते हैं। ये आज मैंने चमत्कार देखा, चमत्कार हो गया आज, इतना महाराज जी हम थोड़े खाई सकते, आप देखो कहे एक बड़ा एक बड़ा ले, अरे हम कहा अच्छा लाओ भाई, अब राजा की आज्ञा है, और खाए बैठे तो भैया दोबारा तिबारा इतना खा के बैठ गए। हम सोचते हैं भगवान ये क्या हो रहा है, ठंडाई पिया किसने, दस दस की बारह गिलास पी गए, आंग भांग का मिला हुआ, तो भांग का मिला, मैं भांग वांग थोड़े खाता हूँ, लेकिन हनुमान जी की कृपा, नशा भी नहीं हुआ। तब ये बहुत अद्भुत स्थान है महाराज, आपके बारे में मैं बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ, मेहनत से लगे रहिए, डटे रहिए, और हमारे जो साइन बोर्ड हैं इनको हम लोग अपना साइन बोर्ड मानते हैं, इनको हम धीरे धीरे रास्ते में जाएंगे। क्यों, अगर हमसे जुड़े हो महाराज तो छोड़ दो इनके ऊपर पैसा, अबे देखिए ये प्रकट का नियम है महाराज, एक प्रकट का नियम है, जितना आदमी स्त्री के पीछे भागेगा उस तो नचा दे। एक जमाना था बचपन में, जवानी में मैं पैसा गिना करता था, इतना होएगा फिर इतना होएगा फिर इतना होएगा, घर में थोड़ा कला झंझट हो गया, मुँह खत्म हुआ पैसे से, मुँह खत्म हो गया तो पैसा लक्ष्मी अब हमें पीछे चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि मन में के अंदर मजबूती लाइए, हमारा बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, ये हमारा दावा है। हम भारत सरकार को ललकार रहे हैं तो आप लोगों के लिए कोई पैसे की संकट आएगी आपके सामने, आप हमको मोबाइल कीजिए, आप लोग हमन करते हैं हम सीधे एक दरखास्त लगा देवे बंदरन से, ये महाराज खाए का है कि नहीं खाए का, रायबली का एसपी गया महाराज 2 महीने के अंदर, मैं नहीं कहता हूँ रायबली के लोग कह रहे हैं, 2 महीने में एसपी साहब हम जोरबाग से हमारी बिरादरी के रहे पंडित जी मिश्रा, मैं मिश्रा को भैया बंदर को मैं खिला रहा हूँ, तुम अपने ड्राइवर या दरोगा से कह दो मना कर दे बाबा जी यहाँ मत आइए, साहब नाराज होते हैं, अब तुम साहब गाड़ी रुकवाए, ये क्या कर रहे हैं, हमने कहा सर बंदर को खाना दे रहे हैं, कहीं देखिए कल से अगर आप दिखाई पड़ गए तो मैं जेल भिजवा दूंगा, हम कहा जी सर, और वहीं झोला पटक दिया गाड़ी चली गई, और 2 टोलियाँ हैं बंदरों की, एक जहाँ जस साहिबा रहती है और एक यहाँ मूल भारतीय छात्रावास, उधर की टोली को बंद कर दिया खाना, हमने कहा नहीं मिलेगा बाबा, क्यों अपमान आप भी नहीं झेले हैं, शंकर भगवान अपमान नहीं झेले, भगवान राम नहीं अपमान झेल पाए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे बाल सारे ब्राह्मण का उल्टा दे, अपमान नहीं कोई झेल पाता है, क्यों अपमान करते हो भाई, तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामो हत्या के हैं, भोलेनाथ भोले भोले भाले भोले भी हैं और भाले भी रखे हैं, अगर के चलवा दिए मरवा दिए तो हम कैसे झेल, 2 महीने के अंदर अंदर एसपी साहब मिटिया नेट हो गए और सारा ताज तख्त उनका उतर गया, 2 महीने के अंदर डिग्री कॉलेज चौराहे पर बाबा रामकृष्ण से पूछिए पूरी बात बताएगा, हिंदुस्तान अखबार का जो फोटोग्राफर है इन्नू उससे पूछिए,
वो बता। ये प्रभु हमसे बोलवा क्या? प्रभु क्या तपस्या होनी कौन करेगा महाराज? बुखार चढ़ा है, गधे की ड्रेसिंग करवा रहे हैं, कहाँ रहे हैं और पकड़े हैं गधे को बुखार की हालत में, कौन करेगा? ये भगवान देखते हैं सब, वही शक्ति प्रदान करते हैं। 2 महीने में श्री साहब नेस नाबूद हो गए, सस्पेंड हुए, क्या हुए, भाग गए रायबरी से, भगा दिए गए। तो कभी किसी अवघर को कुछ न दे, हमका एक फूटी कौड़ी न दे, लेकिन हमें कोई अपमानित न सम्मान चाहिए, अपमान न करें। हाँ मैं कसम खा के बताता हूँ हनुमान दरबार में महाराज, अगर मुझे ठंड पानी भी यहाँ ना हमें पूछा जाता तो हमें कोई कष्ट नहीं था, लेकिन ये मिल गया तो अब गदगद। तो अब यहाँ आई थे तो यही हनुमान जी बारे कृपा बारे, हनुमान जी रसीले हनुमान, क्या आपका चमत्कार आप है। तो नामे रख दिया रसीले, रसीले हनुमान। ये धीरे धीरे ये सब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है महाराज जी। आप जहाँ लगे हैं परमानेंट मामला है, यहाँ का तो परमानेंट मामला है, परमानेंट। हाँ जब भी आना है जी तो कुछ ना कुछ सम्मान तो मिलने हैं। नहीं नहीं ये तो भाई है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात। अब यहाँ की परंपरा तो अब आप भी धीरे धीरे शुरू करेंगे आपके स्थान पर, तो अब हमारे ख्याल से अब चलने का समय है, आपको भी देर हो रहा है, और चल के सब्जी ले लिया जाए, इसको झूले में भर दिया जाए। और अरे जय हो, जय हो, जय हो, इधर आ, इधर आ, तुमको सबसे बड़ा आशीर्वाद, जय हो। क्या नाम है तुम्हारा? वाह, अरे विकास करेगा ये, खूब विकास करेगा, जैसे जैसे घास बढ़ेगी तैसे तैसे बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल भाव। अरे भाई भगवान है, ये बाल भगवान है, इनसे बड़ा महात्मा महाराज कोई नहीं है, हम भी आप इनके बराबर नहीं कर सकते। लाना है इन बच्चों को, एक झापड़ मार दीजिए और थोड़ा खेला दीजिए, आपको माफ कर देगा। एक झापड़ हम तक गाइबे, हम जो आपका कोई एक झापड़ मार दिए तो जलमऊ के वही जलमऊ के वही पार भगियो, हम रायबली जला मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों? काम क्रोध लो मुँह से कहीं ना कहीं हम लोग छू रहे हैं, और बाल भगवान बहुत बड़ी चीज। तो ये महाराज अब इसको चला जाए। अरे वाह, जय हो हनुमान जी का गदा है, मुरारी बाबा भेंट किए, जिससे दुश्मन का सफा हो। नहीं तो खैर ही है, हनुमान जी के दरबार में बैठे हैं हमारे बंद करवा दो छत्री। अब की बार हमने बंद करा, छत्री शिरोमणि की उपाधि मैंने इनसे उनसे नवाजा है आपको। एक छत्री में इतना ज्ञान हमने अभी रायबली जनपद में तो नहीं देखा था। अब सामने बैठे मैं क्या प्रशंसा करूं, प्रसंग के बस मैं कह रहा हूं। और इनके पास ज्ञान इनका अपना नहीं, ये सब यही देश है। देखिए जगन्नाथपुरी, अरे क्या आनंद, क्या भाव है यहाँ का, क्या यहाँ की परंपरा बजरंग बली इनसे करवा रहे हैं। तो हम लोग तो महाराज आ रहे, आपको राजा कह लिया, खाली हुक्म किया करो हम लोगों का बात। हाँ ज्यादा नहीं कि महाराज के लिए मार दो भैया, जरा आ गया करे, यहाँ आ गए गदगद। अब सारे बच्चे धीरे धीरे सीख रहे हैं, उनको पहले से मालूम हो जाएगा तो तमाम बच्चे पता नहीं क्या क्या बोले। एक चमत्कार सेवा में उपस्थित हो, लेकिन ये बताओ सब्जी जो छोला भरे तो हम सब्जी भरे छोला लावा तो हमसे एक चीज हम हो खड़े जाएगा। मिल गया।
कानपुर नहीं है, लखनऊ शायद। कानपुर आ यार, पहले दिखा कानपुर, उसमें देखो कानपुर। कानपुर आ जाओ कैमरा। हाँ भैया कैमरा बंद करो।